हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के बारे में, जो कि धर्मशाला में है। हम सबको पता है ये हमारे इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल स्टेडियम है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्टेडियम की पिच के बारे में, कैसे पिच है, यहाँ की चेजिंग को सपोर्ट करती है या फिर डिफेंडिंग को, बॉलर्स हमारे कौन से काम आते हैं, पेसर्स या फिर स्पिनर्स, T20, ODI, टेस्ट, IPL के कितने मैचेस खेले गए हैं, साथ ही साथ हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है और लोएस्ट भी क्या रहा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की पिच के बारे में। पिच की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। जो पिच का सरफेस है वो फ्लैट है, मीडियम पेसर्स कमाल की बॉलिंग करा पाते हैं। साथ ही फ्लैट पिच और हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही हम सबको पता है कि माउंटेनियस एरिया है इस स्टेडियम के आसपास, तो वहाँ पर नाइट मैचेस में ड्यू फैक्टर ज़रूर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, टोटल T20 और IPL के मैचेस 20 हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 9 जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 10 जीते गए हैं। और अगर पिचेस की बात करो तो 2 से 3 पिचेस हैं जिनका सरफेस जो है फ्लैट है, जो बैटर्स की काफ़ी मदद करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट मैचेस में यहाँ पर ड्यू फैक्टर देखने को मिलता है, तो टीम यहाँ पर चेजिंग ज़्यादा प्रेफर करती है इवनिंग और नाइट मैचेस में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी बाउंड्री लेंथ की, तो 54 मीटर्स यहाँ पर मिनिमम है और मैक्सिमम है 76 मीटर्स। एक एंड है रिवर एंड, दूसरा एंड है कॉलेज एंड और ग्राउंड का साइज मीडियम है यहाँ पर। आगे बात करते हैं वेदर की, तो डे टाइम पर 25 to 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और नाइट टाइम पर 25 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। आगे चलते हैं ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इस्टेब्लिश ये ग्राउंड हुआ था 2003 में और इसको HPCA स्टेडियम के नेम से भी जाना जाता है। एक एंड है रिवर एंड, दूसरा एंड है कॉलेज एंड। और सरफेस की अगर बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है यहाँ का। कैपेसिटी की बात करें तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो 23,000 स्पेक्टेटर्स यहाँ पर बैठ कर क्रिकेट इन्जॉय कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करें तो 60 करोड़ लगे थे इसके कंस्ट्रक्शन में। आगे बात करते हैं T20 स्टैट्स की, तो टोटल 11 मैचेस हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने पर 4 जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 6 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 137 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 128 है, हाईएस्ट टोटल 200 बने हैं 3 विकेट्स के नुकसान पर साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया के मैच में। और लोएस्ट की अगर बात करें तो 134 बने हैं 9 विकेट्स के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच में। आगे बढ़ते हैं ODI की बात करते हैं, ODI के टोटल 4 मैचेस हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने पर 1 जीता गया है, बैटिंग सेकंड करने पर 3 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 214 है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 201 है, हाईएस्ट टोटल देखोगे 330 बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के मैच में। और अगर लोएस्ट की बात करूँ तो 112 बने हैं 12 विकेट्स के नुकसान पर इंडिया वर्सेज श्रीलंका के मैच में। आगे चलते हैं टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, तो एक ही टेस्ट मैच हुआ है जो बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीत लिया था। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को 300 है, एवरेज सेकंड इनिंग्स को 332 है, हाईएस्ट टोटल देखोगे 332 बने हैं 10 विकेट्स के नुकसान पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैच में। और अगर लोएस्ट की बात करें तो 137 बने हैं 10 विकेट्स के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया के मैच में। तो आगे बढ़ते हैं IPL की बात करते हैं, टोटल IPL के 9 मैचेस हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने पर 5 जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 4 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 175 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 146 है, हाईएस्ट टोटल देखोगे 232 बने हैं 2 विकेट्स के नुकसान पर किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेज RCB के मैच में। और अगर लोएस्ट की बात करें तो 116 बने हैं 10 विकेट्स के नुकसान पर किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेज DC के मैच में। तो गाइज, ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के पिच रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।